गाइस, तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ स्केटिंग स्केटिंग पर कैसे चलना चाहिए और बैलेंस करना चाहिए। तो हमें पहले स्केटिंग पर खड़ा होना सीखना होगा। अगर आपका पैर ऐसे ऐसे होकर आप गिर जाते हो तो आपके लिए ही है वीडियो। पहले तो आपको खड़े होकर कभी भी शूज़ नहीं पहनने, आपको बैठकर शूज़ पहनने हैं। शूज़ बैठकर पहने करो और जब पहन लिए तब धीरे से ऐसे झुक जाओ और बैठ जाओ, ऐसे चलते जाओ और फिर धीरे से खड़े होने की कोशिश करो। खड़े हो गए फिर अपना पैर ऐसा ऊपर उठाने की कोशिश करो, ऊपर उठाया फिर दूसरा उठाया और फिर थोड़ा ऐसे ऐसे आगे चलने की कोशिश करिए। इतना हो गया, फिर आपको कदम उठा के चलने हैं, ऐसे कदम उठा उठा के चलो, ऐसे ऐसे कदम उठा उठा के चलो। अगर आपको वो भी आने लग गया तो आप थोड़ा सा चल सकते हो। फिर आपको अपना पैर इस डायरेक्शन में करना है और पीछे वाले से आपको पुश करना है ऐसे, और फिर ये वाला पैर उठा के इधर रखना है और पीछे वाले से पुश करके आगे जाना है ऐसे, और फिर ये ही कंटिन्यू करना है स्टेप वन और स्टेप टू, फिर आपको थोड़ा सा अच्छे से आ जाएगा। ये टर्न मारना भी सिखाऊंगा पर पहले आप इतना सीख जाओ। बस इतना ही, और फिर उसके बाद अगर आपको टर्न करना है तो धीरे से अपने पैर को ऐसे मोड़ लो, अपने पैर को धीरे से मोड़ लेना इस तरीके से, ऐसे धीरे से मोड़ लेना और ऐसा टर्न हो जाए। फिर से दिखाता हूँ, ऐसे हो जाएगा। और फिर आपको अगर ऐसे टर्न करना है तो आपने दोनों पैर है ना थोड़ा सा ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी में रखना है और फिर चलाते चलाते ऐसे चले जाना, फिर आपका टर्न हो जाएगा। मैं आपको अपना मेरा पूरा प्रीव्यू दिखाता हूँ, फिर आप देखिए। ऐसे इस तरीके से और फिर ऐसे टर्न, और जो मैंने दूसरा टर्न सिखाया ना उसको ऐसे करना है। ऐसे तो अभी तो आज इतना ही, अगले टाइम आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा तरीके से और ट्रिक्स से हम आपको वीडियो भेजेंगे। अब फिलहाल इतना ही आज के दिन के लिए, तो इतना ही प्रैक्टिस करो और बाय।